वेलफेयर क्लब गाजीपुर के तत्वावधान में वेलफेयर मिशन ग्रीन वसुंधरा के अंतर्गत स्वर्गीय शेषनाथ पांडे की पुण्य स्मृति में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन रविवार को छावनी लाइन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सिद्धार्थ राय ने माता सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित तथा माल्यार्पण करके किया। मुख्य अतिथि का स्वागत क्लब के जनपद गवर्नर पवन पांडे ने माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं क्लब अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार वर्मा ने क्लब के पदाधिकारियों तथा उपस्थित गणमान्य लोगों के साथ पौधरोपण करते हुए पर्यावरण को हरा भरा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सिद्धार्थ राय ने पर्यावरण प्रदूषण को विश्व का संकट बताते हुए कहा कि प्रकृति को संतुलित करने में पेड़ पौधों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण बचाने के लिए संतुलित रसायन के प्रयोग के साथ ही प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्लब के इस पुनीत कार्यक्रम में उपस्थित होकर खुद को वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्लब के प्रयासों को अतुलनीय बताते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की तथा क्लब के प्रति आभार व्यक्त किया। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर शरद वर्मा ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि हम अपने जीवन में कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाएं। क्लब उपाध्यक्ष धीरेन्द्र त्रिपाठी तथा आय व्यय निरीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर 15 सागौन, 7 नीम, 3 पीपल, 20 अमरूद तथा 10 कदम के पौध सहित लगभग 85 पौधों को रोपित किया गया तथा इसे बचाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम का संचालन क्लब पीआरओ अभिषेक प्रजापति ने किया। इस मौके पर क्लब उपाध्यक्ष धीरेन्द्र त्रिपाठी, सचिव अभिषेक सिंह, परीक्षा प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद, पवन कुमार पांडे, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, राम कुमार विश्वकर्मा, ओम प्रकाश सिंह, अम्बरीश कुमार, अजय यादव, प्रमोद बिंद, रामनाथ कुशवाहा, राहुल प्रताप मिश्र, गोपी सिंह कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।